नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग ले रही है दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां। आपको बता दें कि लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हेडली हॉल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां इस समय हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल और जियो संस्था के संस्थापक गीता ममर्जन और स्वामी ज्ञानानंद ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यूके सत्तारूढ़ दल के वाइस चेयरमैन वॉल्स स्कॉली और ब्रिटिश सांसद वीरेंद्र शर्मा को श्रीमद् भागवत गीता सम्मान स्वरूप भेंट की। ब्रिटिश सांसदों की मांग पर श्रीमद् भागवत गीता की यूके पार्लियामेंट में स्थापना की जाएगी। हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 साल पहले गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया था। उसी कड़ी में इस बार लंदन में गीता महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। Basis of successful and fruitful visit by delegation from the government of Haryana to the UK in May 2018, headed by the Honorable Chief Minister Mr. Manohar Lal. We are back again with more opportunities and more regional interact with you. First of all, I would like to extend a big thank you to the organizer for arranging this session for us on such a short notice, Vijay Goyalji and his team. Friends, India and the United Kingdom enjoy strong bonds of friendship based on historic culture and education ties, aligned industrial sectors and bilateral economic liaisons, equating to about 1.8% of population. The vibrant Indian community forms one of the largest expatriate group in the UK. Friends, you have got an overview of our policies by Shri Devendra Singh Ji. I, on behalf of my Chief Minister and on my personal behalf, would like to assure you full cooperation in all projects. I have been a businessman before entering into the politics. There can appreciate your areas of concerns. We are there for your support and value addition. And I would like to talk about you, Gita, and our culture. We are here for celebrating the International Gita Jayanti. So you know about the Gita, which is originated in Haryana, Kurukshetra. Kurukshetra सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जाना जाता, Kurukshetra एक धर्म युद्ध के लिए भी जाना जाता है, जिसे महाभारत युद्ध कहते हैं। और वहीं पर ही श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। तो उस गीता को कि जिस तरीके से भारतीय कल्चर है कि होल पूरा होल यूनिवर्स इज द फैमिली वासुदेव कुटुंबकम, उसी तरीके से जो धरोहर गीता के नाम पर हमारे पास है, क्यों से देश के अंदर ही ना रख के पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड करें। तो इसके लिए पिछले साल हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने संकल्प लिया माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और गीता इंटरनेशनल जयंती मनाने का कार्यक्रम किया। लास्ट ईयर हम लोगों ने ये मॉरिशस के अंदर, जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज वहां पर एक बहुत बड़ा फंक्शन है और एक प्रोसेशन पूरा साउथ हॉल से लंदन के लिए पूरा निकलेगा। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम इंडिया, तो एक गीता, क्योंकि गीता एक कोई सिर्फ इंडिया के लिए प्रैक्टिकल होली बुक जो कर्मा पर विश्वास करती है, जिसने हमेशा भाग्य से ज्यादा कर्म के बारे में कहा है कि कर्म सिर्फ ग्रेट है कि अगर कर्म करेंगे तो हम भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज तो आप लोगों ने देखी, इंडस्ट्रियल हमारी किस तरीके से पिछले 5 सालों के अंदर हमने बहुत बड़ा परिवर्तन अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया। और उसके लिए अच्छा खासा एक पैमाना कि जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम सरकार में आए तो 40th नंबर पर थे और आज 3rd नंबर पर है, नॉर्थ इंडिया के अंदर नंबर 1 है और देश की सरकार के साथ चलते हुए इस तरीके से 142 नंबर पर हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया पे थे और आज 77 पर है। तो मोदी जी का जो विजन है, मेक इन इंडिया की बात करें, स्किल इंडिया की बात करें, ये तो ओनली यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी इन हरियाणा,